हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटर सीरीज देखा था प्लांट एनाटॉमी का। तो आज हम लेके आए हैं पॉइंटर सीरीज एल्गी का। यहाँ पे 100 पॉइंट है। तो देखिए, ये वीडियो लेके आए हैं तो इस पे हम क्या टारगेट रखते हैं, 50+ लाइक का टारगेट रखते हैं और ज्यादा नहीं, 300 व्यू का टारगेट रखते हैं। तो अगला पॉइंटर सीरीज आपका आ जाएगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 50+ लाइक कर देना। चलो हम चलते हैं। देखिए, हमारा कोर्स भी चलता है, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे 170+ लोगों ने इनरोल किया है हमारे कोर्स में। फीस है 2500। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या आप CUET, CPET, MPPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलो अपना हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट आज लेके आए हैं एलगी में। तो देखो, पहला पॉइंट है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय सिफ्लोरास वेरिएसेंस। तो सिफ्लोरास एक एलगी है जो कि पैरासिटिक है और रेड रस्ट डिजीज कराती है। मैंगो में हो गया, चाय में हो गया, कॉफी में हो गया। तो ये किससे बिलोंग करती है, ये क्लोरोफाइसी से बिलोंग करती है। ये बात भी आप नोट कर लेंगे। सिफ्लास किसका मेंबर है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। फादर आप अगर फाइकोलॉजी का है तो आप मोरिस वोरिस को देखा जाता है। अगर इंडियन फाइकोलॉजी की बात करो तो एमओपी एंगर है, और एमओपी एंगर ने फ्रिशियल्ला ट्यूबरोसा की डिस्कवरी की थी। ठीक है, एंगर के गुरु फ्रिश थे, तो इसलिए इन्होंने फ्रिशियल्ला नाम रख दिया। अब देखो, राकवीट जो है फ्यूकस को बोलते हैं, और लैमिनेरिया को डेविल एप्रिन बोलते हैं, पोस्टेल्सिया को हम सी पाम बोलते हैं, और सार्गासम को गल्फ वीट। तो ये चारों ना आपको मैचिंग टाइप में मिल सकता है, ये वाला चार। तो मैचिंग टाइप में मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आसानी से आपको मैच कर देना है। विंटर एल्गी हम यूलोथ्रिक्स को बोलते हैं। एक एल्गी और होती है, जैसे उसे बोलते हैं पांडिस्कम। पांडिस्कम हम किसे बोलते हैं, स्पाइरो गायरा को बोलते हैं। स्पाइरो गायरा को बोलते हैं। ठीक है, एगार एगार जो होता है आप जानते होंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए। तो एगार जो ऑब्टेन किया जाता है जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया से, ये क्या है आपके रेड एल्गी है। क्या है जी, रेड एल्गी है। एक एल्मी एंटी हेलमेंथिक ड्रग होता है, याद करना, टसिक और टुसोई, इसे बोलते हैं एंटी फंगल नहीं, एंटी हेलमेंथिक होता है। डिग्निया सिंप्लेक्स से निकाला जाता है। नोट कर लो कॉपी में, अगर नया चीजें मिले तो वो नोट कर लो। एक होता है ग्लू गम, होता है दुख दर्द पीड़ा वाला गम नहीं, गोद वाला गम। तो फ्यूनेरी जो गम होता है वो ग्लियोप्टेलिस फरकेटा से निकाला जाता है। स्पैरुलिना और फ्लोरेला के पास ऐसा पोटेंशियल होता है कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकते हैं एडिबल प्रोटीन का, यानी सिंगल सेल प्रोटीन। किससे निकाला जाता है, वो स्पैरुलिना और क्लोरेला से निकाला जाता है। स्पैरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, और क्लोरेला जो है आपका ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर नॉन फ्लेजिलेट ग्रीन एल्गी है। सबसे अच्छा कौन है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, तो है आपका स्पायरुलिना। देखो, क्लेमाइडोमोनास हो गया तो उसमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, उगैमी, एनाइसोगैमी, तीनों मिलता है। तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी देखोगे तो वहां पे आपको एनाइसोगैमी देखने को मिलेगा, यानी मेल, जो मेल और फीमेल जो गैमिट रहेंगे वो अलग अलग साइज के रहेंगे। उगैमी जो रहेगा फीमेल बहुत बड़ी नॉन मोटाइल रहेगा, मेल मोटाइल रहेगा, तो क्लेमाइडोमोनास कक्षी फेरा में मिलेगा। एक और क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डटी है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। जैसे आप जानते हैं अराबिडोप्सिस हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, ऐसे ही एल्गी में क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डटी हो गया। जब आप वॉलवॉक्स पढ़ते हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो वहां पे 8 सेल्ड प्लैकिया स्टेज मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 8 सेल्ड प्लैकिया स्टेज कहाँ रहेगा, वॉलवॉक्स में रहेगा। अब देखो, शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, तो स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो रहता है जिग्नेमा में रहता है, तो ये आप नोट करोगे। मल्टी एक्जियल थैलस पॉलीसिफोनिया, बहुत सारे ऐसे ऐसे रहेंगे, ये हो गया मल्टी एक्जियल। और बटरेकोस्पर्म देखोगे तो एक रहेगा, तो यूनि एक्जियल रहेगा। बहुत सारे ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। तो आप धान के खेत में देखोगे तो वहां पे मोस्ट एबुडेंटली कौन रहेगा, आलू सीरा रहेगा। अब कार्पोस्पोर देखोगे बटरेकोस्पर्मम का, वो हैप्लॉयड रहता है, नेक्ड रहता है और ना मोटाइल रहता है। अगर आप कार्पोस्पोर देखोगे पॉलीसिफोनिया का, तो वो डिप्लॉयड रहता है। बटरेकोस्पर्म का हैप्लॉयड और पॉलीसिफोनिया का कैसा रहता है, वो डिप्लॉयड होता है। अब हेटरोसाइट होता है, कुछ ट्राइकोम के कुछ सेल्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में जो अपने आप को मॉडिफाइड थिक वाल्ड कर लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यही पूछ रहा है इंटरकैलरी, जैसे इंटर कैलरी माने कि यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे रहेगा तो टर्मिनल, ठीक है, ऐसे लगा रहेगा तो इंटर कैलरी रहेगा। तो कहाँ पे रहेगा आपका, ये एनाबिना में रहेगा, PS2 अब्सेंट रहेगा। देखो, हमने बताया कार्पोस्पोर पॉलीसाइफोनिया का डिप्लॉयड होता है,
देखो अब अलग अलग एल्गी होता है वहां पे, अलग अलग पिगमेंट देखने को मिलता है। जैसे फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ब्राउन एल्गी, फाइकोसाइनिन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी, फाइकोरिथ्रिन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेड एल्गी। आगजो स्पोर जो होता है ये देखो डायएटम में बनता है, आगजो स्पोर डायएटम में बनता है। एक होता है आपका आटो स्पोर, आटो स्पोर कहाँ बनता है आपका, क्लोरेला में बनता है, तो ये भी आप नोट कर लेना। 100 पॉइंट लेके आए लेकिन हम आपको बहुत सारा बताएंगे। सिंजोस्पोर क्या होता है, ये बाउचेरिया में होता है, कैसा होता है, ये होता है मल्टी न्यूक्लिएट, और कैसा होता है एंड मल्टीफ्लेजलेट होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। देखो अब अगला पॉइंट है कि फॉल्स ब्रांचिंग जो होता है साइटोनेमा में होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे फॉल्स ब्रांचिंग दिखाया जाता है। प्रिस्टेल्ला ट्यूबरोसा की डिस्कवरी किसने किया था, एमओपी एंगर ने किया था। ट्रैपलॉम्बडियोप्सिस इंडिका की डिस्कवरी वाई भारद्वाजा ने किया था। रेड कलर ऑफ सी, देखो रेड स्नो नहीं, रेड कलर ऑफ रेड सी इज कॉल्ड बाय ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम, ये एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगर आपसे पूछे रेड स्नो कॉज बाय तो क्लमैटोमोनास निवेलिस बताना, ब्लैक स्नो पूछे तो रैपिडोनेमा बताना, रैपिडोनेमा बताना, या बताना आप इसको टीला निवेलिस। अगर ब्लू स्नो पूछे तो एनसाइलोनेमा बताना। स्पायरोगायरा जो होता है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी शो करता है। हैमरलिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिटिबुलेरिया एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी में बताया था इन्होंने। देखो आप वेलोनिया एक एल्गी होता है, वेलोनिया का यूज करते हैं हम प्रूव करने के लिए कि मेम्ब्रेन आपका जो होता है वो परमिएबल होता है। कारा जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का इनक्रस्टेशन, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन दिखाया जाता है। जैसे कि सिलिका कहाँ पे होता है, डायटम में होता है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कहाँ से हुआ है, ग्रीन एल्गी से हुआ है। हिप्नोस्पोर जो होता है वो थिक वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। देखो हिप्नोस्पोर इज द थिक वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, वाइल द इकाइनिट इज द थिक वाल्ड रेस्टिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं ये, रेस्टिंग सेल होते हैं, वाउचेरिया मिलते हैं, रेस्टिंग सेल होता है ये। रिजर्व फूड मटेरियल आयल किसमें होता है, वो जैंथोफाइसी में होता है। पाल्मेला स्टेज यूलोथ्रिक्स में रहेगा, क्लेमाइडोमोनास में रहेगा, और कहाँ पे रहेगा आपका टेट्रास्पोरा करके एक होता है वहां पे भी होता है, तो ये चीज आप जानते रहेंगे। फाइलोपोर जो होता है वालवाक्स की कॉलोनी, आप देखोगे तो वहां पे एक पोर होता है जो कॉलोनी को इन्वर्ट कराने में काम करता है, तो फाइलोपोर कहाँ पे रहेगा, वालवाक्स में रहेगा। कैप सेल देखो उडोगोनियम बार बार डिवाइड करता है, तो एक एक सेल जोड़ते जाता है, कैप सेल उडोगोनियम में रहता है। जो फ्रिस का क्लासिफिकेशन था 11 क्लासेस में बांटे थे, वो मेनली बेस्ड था पिगमेंटेशन, स्टोर्ड फूड मटेरियल और रिप्रोडक्शन के ऊपर। इन्होंने एक बुक लिखा था रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो दूसरा बुक है एल्गी अ रिव्यू, ये प्रेस्कॉट ने लिखा था। मरमिड वाइन ग्लास बोलते हैं एस्टिबुलेरिया को, इसको और क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, ठीक है। नॉन फ्लेजलेट सिनोबिया अकरिन, तो नॉन फ्लेजलेट सिनोबिया पेडिएस्ट्रम में होता है। सिनोबिया का मतलब होता है जहां पे सेल का साइज, सेल का नंबर डाटर कॉलोनी में फिक्स हो, उसे सिनोबिया बोलते हैं। मोटाइल सिनोबिया जैसे कहाँ पे रहेगा, वालवाक्स हो गया, और बहुत सारे हैं, यूट्रिना पैट्रुइना ये सब। तो देखो आयोडीन देखो आपका मिलता है आपका ब्राउन एल्गी से, बट ब्रोमीन जो है रेड एल्गी रोडमेला से मिलता है। ब्राउन एल्गी के पास लेटरल फ्लैजला होता है, जैसे ये मान लो सेल है तो यहां से फ्लैजला निकलेगा, एपिकल फ्लैजला यहां से निकलेगा, तो ये ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक है। पैरामाइलॉन कहाँ पे होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह होता है यूग्लिना में। यूग्लिना के बारे में जानते रहना, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एकाइनिट इज ए थीक वाल्ड रेस्टिंग सेल होता है। नैनेड्रिया जो होता है उडोगोनिया में, जो ड्वार्फ मेल होता है, नैनेड्रिया को हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ मेल बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है आपका उडोगोनिया में होता है। फ्लैजिलेट सेल कंडीशन जो होता है रोडोफाइसी में और साइनोफाइसी में अब्सेंट होता है। जब आप बटरकोस्पर्मम के बॉडी को देखोगे तो वो बीडेड दिखेगा, वो उसमें ग्लोमेरुल की वजह से होता है, ड्वार्फ मेल उडोगोनियम में। स्पायरोगायरा को हम वाटर नेट बोलते हैं। सेक्स आर्गन जो होता है सार्गासम फ्यूकस में एक स्ट्रक्चर होता है कॉन्सेप्टिकल, वहां पे मिलता है। सी लेटस बोलते हैं अलवा को, समुद्री सलाद अलवा को बोलते हैं, ये ग्रीन एल्गी ब्रो।
अगला क्वेश्चन है आपका, डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? वो सार्गासम और फ्यूकस में रहता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लॉयड होता है, और सार्गासम और फ्यूकस में कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक है जो बैटरेसिसिन, वो कहाँ से मिलता है? नास्टाक से मिलता है। क्राइसोलेमोनेरियन स्टार्च जो होता है ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल हो सकता है। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा जो है वो एपिफाइट होता है मोलस्का के सेल के ऊपर। ब्लैक स्नो हमने बताया रेफिडोनेमा और स्कोटिएला निवेलिस से होता है। हेटरोसाइट जो होता है उसमें पीएस सेकेंड मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड यानी जहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है वाटर का स्प्लिटिंग होता है वो अब्सेंट होता है। कैराग्निन अब्सेंट होता है आपका कॉन्ट्रास्क्रिप्शन यूजेमिया से। प्रोटोथिका जो है एक ऐसी एल्गी है जो ह्यूमन के लिए हो सकता है पैथोजेनिक। सेलर्स आईवाल हम वेलोनिया को बोलते हैं। एल्जीन जो है ब्राउन एल्गी से निकलता है एल्गीन फ्यूकेडिन। एंथोसिरास के थैलस में भी एक एल्गी होती है जो होती है नॉस्टॉक। वाउचेरिया जो है वो सिनोसिटिक होता है और इसमें गांगोसाइरा स्टेज बनता है जब चेन ऑफ एकाइनिड बन जाए। एक्चुअली में बहुत सारे एकाइनिड अरेंज कर ले चेन ऑफ एकाइनिड आपको देखने को मिले तो उसे आप गांगोसाइरा स्टेज बोलोगे। बटरकोस्पम है जो रेड एल्गी है लेकिन रेड कलर का नहीं है ब्लूइश ग्रीन होता है। बटरकोस्पम देखो रेड एल्गी है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी फाउंड इन द मराइन वाटर बट बटरकोस्पम फ्रेश वाटर एल्गी है। कंट्रेंसिया स्टेज जो होता है ये बटरकोस्पम में मिलता है। हार्वियल्ला एक ऐसा रेड एल्गी है जो कि पैरासिटिक है, कलरलेस पैरासिटिक एल्गी है। फोर पैरिमिडियम जो है यूनिसेलुलर रेड एल्गी है। स्टोन वार्ट जो है आपका कारा का नाम है और इसको बटरकोस्पम को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉग स्पॉन एल्गी बोलते हैं, फ्रॉग स्पॉन एल्गी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कारा का, जब आप देखोगे एंथ्रीडियम में सब तो वो स्टराइल जैकेट लेयर से घिरा होता है जो कि कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा का, कारा में देखने को मिलता है। कारा के पास जो होता है अपर ओगोनियम जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्यूल बोलते हैं, और लोअर एंथ्रीडियम होता है जिसे ग्लोब्यूल, यानी कि ओगोनियम ऊपर रहेगा एंथ्रीडियम नीचे रहेगा। और इसके बारे में आप जान लेना यहाँ पे 8 सील्ड सेल होते हैं एंथ्रीडियम में, और क्या होते हैं 5 कोरोनल सेल होते हैं ओगोनियम में ट्यूब सेल। एमाइलम स्टार जो होता है कारा का फीचर है। ग्रिडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट या सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में मिलता है। अगला है डूनालियन्ना जो है हेलोफिटिक एल्गी है, मतलब ऐसा जो साल्टी कंडीशन में ग्रो करता है। आर्चिगोनिया देखो एल्गी फंजाई एंजियोस्पर्म में अब्सेंट होता है। ब्रायोटेटो जिम्नो में आर्चिगोनिया मिलता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे सबको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। सिनोबिया में सेल का साइज नंबर फिक्स होता है। पैरिनॉइड जो होता है प्रोटीन का कोर होता है जो स्टार्च के शीत द्वारा घिरा होता है, ये कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में काम करता है। वाउचेरिया के पास कोई भी पैरिनॉइड नहीं होता है। स्टेफेनोकोंटान जो स्पोर मल्टीपल रिंग रिंग ऑफ सीलिया ऐसे फ्लैजेलास वो भी समझो, वो आपका कहाँ पे होता है? ओडोगोनियम में होता है। फ्लैजेला टोटली एब्सेंट होता है रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। पैरामाइलॉन जो है यूग्लिना में रहेगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होता है। नेक्रीडिया सेपरेशन डिस्क है ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगा। हेटरोसाइट एब्सेंट होता है ऑसिलुटोरिया में, फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ब्रायोप्सिस इज नॉट ए ब्रायोफाइटा बट इट इज ए ग्रीन एल्गी। नोरी फूड है जो फोर पायरा टिनेरा से मिलता है या फोर पायरा लिनियरिस से मिलता है, और आपका कोम्बू जो है लैमिनेरिया सैकरीना से मिलता है। स्पायरोगायरा पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो कंजुगेशन ऐसा भी होता है, यहाँ पे मार्फोलॉजिकल दोनों गैमेट एक दूसरे की तरह रहेंगे लेकिन एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा, तो मार्फोलॉजिकल आइसोगैमी और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी से आप होंगे। डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल फ्यूकस सार्गासम में रहेगा। ठीक है, एल्गी के पास सबसे ज्यादा इवॉल्व टाइप का गैमेटोफाइट होता है और सबसे लेस इवॉल्व गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के पास होता है। ली का क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड था फाइलोजेनी के ऊपर। सेक्सी टॉक्सिन जो है डायनोफ्लेजेस सेक्रेट करते थे, PS2 अब्सेंट था हेटरोसाइट में। एप्लाइनोस्पोर इज अ थिन वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, और हिप्नोस्पोर इज द थिक वाल्ड नॉन मोटाइल स्पोर। तो ऐसे करके देखो हमने बहुत ही इजी तरीके से 14 मिनट में 100 पॉइंट का रिविजन कर लिया है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना है, और ये जो PDF है जो हमारे कोर्स में ज्वाइन है इस वाले कोर्स में उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा जब इस पे 300 व्यू और 50 लाइक हो जाएंगे तब। तो कोर्स में आप सभी का स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने, 9569363332 SSB ओडिशा के लिए, CUET PG के लिए,
या बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, बॉटनी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक, हर किसी के लिए। जूलॉजी के लिए थोड़ा सा वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी ये सब है, तो उसके लिए हम गारंटी नहीं ले सकते, बट और सब में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो ओके, चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट रहेगा सीरीज आपका कौन सा, फंजाई का, ठीक है? हम टाइम नहीं आपका बर्बाद करना चाहते हैं, आपको हमने इतने बार पढ़ाया है, तो हमारा काम क्या है, आपका रिवाइज कराना, आपको बताना कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।